ये जो मशीन है ये माइक्रो नीडलिंग आरएफ मशीन है। इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर स्किन टाइटनिंग, पिगमेंटेशन एंड स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, ये वाली जो मशीन है ये लेज़र आईपीएल लेटेस्ट मशीन है। ठीक है, ये लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, टैटू रिमूवल के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, ये उसके लिए यूज़ हो रही है। बिल्कुल सही, ये जो मशीन है ये 8 स्टेप हाइड्रा फेशियल मशीन। बिल्कुल सही भाई, जल्दी जल्दी कराते हैं भाई, मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूँ, करते हैं भाई जी जल्दी। बिल्कुल आए हैं। फायदा कितने दिन तक रहेगा मुझको? ये आपको कम से कम 2 से 3 महीने जो है आपकी स्किन बिल्कुल क्लींज और एक्सफोलिएट रहेगी। अच्छा, 2-3 महीने तक, जी, दो और तीन उसके महीने बाद फिर कराना पड़ेगा मुझको? आपके इल्म में है कि ईद करीब है और आज का प्रोग्राम ख्वातीन के लिए इंतहाई मौसर साबित होगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम अगर ख्वातीन नहीं देखेंगी तो भाई उनकी ईद अच्छी नहीं गुजरने वाली, ये मैं बतला रहा हूँ। तो आज हम डर्मेटिक स्किन एंड लेजर क्लिनिक पर मौजूद हैं। आप जो इस वक्त हमको अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पेशली जो ख्वातीन हैं उनके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के एक्सपर्ट्स की जानिब और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब बढ़ा। इसलिए मोहतरम, जैसा कि आपको खबर है कि आज डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और एस्थेटिक की फील्ड को ये बताएंगे कि एस्थेटिक की फील्ड क्या है। ईद करीब है, ख्वातीन जो हैं वो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और अजीब व गरीब ट्रीटमेंट्स कराती हैं। इनकी जानिब बढ़ेंगे, इनसे जानेंगे कि भाई जो एक्चुअल ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या हैं और ईद चूँकि करीब है, ईद के हवाले से खवातीन को क्या ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर नोरीना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी खैरियत से, तबीयत ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, खवातीन बहुत कंसर्न रहती हैं कि भाई हम ट्रीटमेंट्स कराएं, गोरी चिट्टी दिखें, मेरी तरह खूबसूरत दिखें, तो आप हमें ये बताएं कि अब एस्थेटिक की फील्ड और जो सैलून ट्रीटमेंट्स होते हैं, एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स और सैलून ट्रीटमेंट, इनमें बेसिकल फ़र्क क्या है, ज़रा बताएं। अच्छा, एस्थेटिक्स जो है ये एक टोटली मेडिकल फील्ड है और जो सैलून वाला ट्रीटमेंट है वो एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है। तो एस्थेटिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड डर्माटोलॉजी। पहले जैसे ट्रीटमेंट्स होते थे वो सर्जरी से होते थे, मेडिसिन से होते थे, लेकिन अब जो एस्थेटिक्स की फील्ड में चीज़ें आ गई हैं वो लेटेस्ट FDA अप्रूव्ड जो चीज़ें हैं हमारे पास, मशीन्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं हम वो यूज़ करते हैं और उसमें आपकी स्किन को हम मज़ीद बेहतर या जो भी प्रॉब्लम आपकी स्किन की होती है उसको हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एस्थेटिक जो है इसमें आता क्या क्या है, क्योंकि सैलून के ट्रीटमेंट्स हम देखते हैं और हम भी जाते हैं भाई ईदों पर, तो ये लेकिन एस्थेटिक की फील्ड में क्या क्या आता है, जो जब ट्रीटमेंट्स आपसे खवातीन कराने आती हैं ईद से पहले या ईद के बाद जब भी आए, इस फील्ड में है क्या एक्चुअली, ट्रीटमेंट आप करते कैसे? एस्थेटिक्स जो है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें हर तरह का ट्रीटमेंट आता है, आपकी स्किन से रिलेटेड, आपके बालों से रिलेटेड, आपके जैसे गिरते हुए बाल हैं हम उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीट करते हैं, आपकी स्किन के पिम्पल्स हैं, आपके स्कार्स हैं, कुछ भी है तो वो हम उसे ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें जैसे आपने सैलून का डिफरेंस पूछा है तो हम उसमें सबसे पहले आपको हाइड्राफेशियल की एग्जांपल दूंगी मैं, कि जैसे सैलून के हाइड्राफेशियल्स जो है वो आजकल बिल्कुल एक कॉस्मेटिक तरीके से वो कर रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। उसमें जैसे ये लोग ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, जैसे पॉलिशर यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी स्किन वक्ती तौर पे तो बहुत बेहतर हो जाती है लेकिन विद टाइम जो है वो आपकी स्किन उल्टा ख़राब हो जाती है। उसमें आपको पिगमेंट्स हो सकते हैं, स्पॉट्स हो सकते हैं, ओपन पोर्स हो सकते हैं। तो जो एक हमारे पास जो हाइड्राफेशियल होता है उसमें हम बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं करते, वो एक टोटली मेडिकेटेड होता है, उसमें हम टोटल मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, मल्टीपल सीरम्स हैं जिनको हम यूज़ करके आपकी स्किन को बेहतर करते हैं, उसको रिजुविनेट करते हैं। और इसमें एस्थेटिक्स में हमारा बेसिकली जो गोल होता है वो आपकी स्किन की रिजुविनेशन होती है, आपकी स्किन को मज़ीद बेहतर करना होता है मेडिकेटेड तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, भाई मुझे ये बताइए, क्रीम ब्लीच का आपने जिक्र किया, जी जी, खवातीन यूज़ करती हैं, वक्ती तौर पर तो वो बहुत गोरी हो जाती हैं, इस हवाले से कोई पैगाम दें, जो गोरी हो जाते हैं बहुत मतलब कहते हैं कि भाई यही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जो उन्होंने कर लिया, वो 10-12 रुपए में, 20 रुपए में वो भाई कहते हैं हम गोरी चिट्टी हो गए, इस हवाले से कोई पैगाम दें कि क्या नुकसान क्या होता है इस हवाले से, एक एक बार तो इंसान गोरा हो जाता है, खवातीन गोरी हो जाती है, बाद में क्या मतलब उनको इफेक्ट क्या करते हैं, कैसे नुकसान होते हैं? उसका नुकसान ये है कि आपकी स्किन वक्ती तौर पे तो गोरी हो जाती है लेकिन उसके बाद जो आपकी स्किन की एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि मतलब आपकी स्किन को सन रे से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, वो बिल्कुल उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपकी स्किन पे पिगमेंट्स,
स्पॉट्स और एजिंग के साइंस जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो एस्थेटिक्स बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि हम उसमें ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं लेज़र्स के ज़रिए और लेटेस्ट टेक्निक्स के ज़रिए जो आपको एंटी एजिंग प्रोवाइड करती हैं बायोलॉजिकली। आपको 5 से 10 साल जो है वो पीछे ले जाती हैं, और इन प्रोसीजर्स में हमारे पास PRP आती है जो एक बड़ी ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक है। उसमें हम आपका ही ब्लड यूज़ करते हैं और आप में आपको ऐसी प्रोटीन हम इंजेक्ट करते हैं जो आपको एक एंटी एजिंग और रिजुविनेशन, स्किन की रिजुविनेशन प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली इसमें PRP हम फेस के लिए भी करते हैं, पिंपल्स के लिए, आपके एक्ने स्कार्स के लिए, आपके गिरते हुए बालों के लिए, जो हर तरह का ट्रीटमेंट है वो PRP है। PRP बहुत अच्छी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके साथ हमारे पास लेज़र्स आ जाती हैं। लेज़र्स अब एक FDA अप्रूव्ड जो मशीन्स है हमारे पास, हम उसके ज़रिए आपको हर तरह का ट्रीटमेंट, आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का, आपके स्कार्स का, बालों का, हर तरह का ट्रीटमेंट जो है वो हम लेजर्स के जरिए। जो मशीन्स भी आप हमको भी दिखाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मशीन्स। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चलूँ, मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वक्ती तौर पर, तो बहुत सारी खवातीन हैं जो ऐसी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं जो नाइट क्रीम होती है, जी बिल्कुल, वो यूज़ करके गोरी हो जाती हैं, वो 300 रुपये में 400 रुपये में आती हैं, वो गोरी हो जाती हैं। लेकिन ये जो आप इतने इतने महंगे ट्रीटमेंट्स बता रही हैं, ये क्या अफोर्डेबल हैं? जी बिल्कुल, ये अफोर्डेबल है। हमारी डील्स भी हो रही होती हैं, डील्स चल रही होती हैं एट टाइम्स। और इनकी सबसे बड़ी जो एक मतलब ये एडवांटेज है इसका, कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी ही बॉडी से हम प्रोटीन लेके आपको इंजेक्ट कर रहे हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो ये क्रीमें होती हैं, जो नाइट क्रीम्स होती हैं, इनमें लोगों को नहीं पता कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। इनके अंदर मिनरलॉइड्स होते हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं, जो वक्ती तौर पर आपको बेहतर करते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो मज़ीद एजिंग की तरफ जाती है, और जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं आपकी स्किन की हालत जो है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। तो इसके मुकाबले में जो एक प्रॉपर इफेक्टिव और मेडिकेटेड जो तरीके हैं, जो FDA अप्रूव चीज़ें हैं, उनमें हम आपको एक एंटी एजिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप हर तरह से जो है वो आपके लिए इफेक्टिव है। उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, और हर तरह से वो फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। यानी हम सैलून ट्रीटमेंट्स अगर यूज़ करते हैं तो वो हमको पहले से बड़ा दिखाई देंगे, यानी उम्र से बड़ा दिखाएंगे। और अगर हम ये एस्थेटिक की फील्ड में आते हैं और ट्रीटमेंट्स आपसे कराते हैं तो ये हमको अपनी एज से छोटा दिखाएंगे। बिल्कुल, कमाल होगा, ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई। तो मैं तो ये आपसे चाहूँगा, क्योंकि ईद करीब है, ख्वातीन हमको देख रही हैं, कि आप भी सैलून ट्रीटमेंट्स की जानी बताएं भाई, पहले राबिता करें, इनके पास आएँ। अच्छा, आप बिल्कुल बताएँ कि ये कहाँ पर है आपका ये एस्थेटिक जो है अपना क्लिनिक जो है? ये क्लिनिक हमारी, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाहौर में भी है, गुजरांवाला में, मुल्तान में, बहावलपुर में, विहाड़ी में, हर जगह पे इसकी ब्रांचेस हैं। और लाहौर में मेन हम शादमान में है हमारी ब्रांच, और अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनके लिए डील्स भी ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, हमारे जो लेटेस्ट जो डील्स हैं उसमें हम 2 हाइड्राफेशियल के साथ, ईद के हवाले से जी बिल्कुल, ये ईद और रमज़ान ऑफर्स जो हैं ये हमारी चल रही हैं, इसमें हम 2 हाइड्राफेशियल के साथ 1 हाइड्राफेशियल फ्री कर रहे हैं, और फेस PRP के साथ। वो कोई ये कहे कि दो मत करो, वो जो फ्री वाली वो कर दो, ये भी तो कोई कह बिल्कुल ऐसे ही है। तो फेस PRP के साथ हम हेयर PRP जो है वो फ्री कर रहे हैं, तो बिल्कुल विजिट करें हमारे पास। तो हमारे पास बिल्कुल भाई, आपको भी रिकमेंड करते हैं कि आप ज़रूर विजिट कीजिए और यहाँ आइए, सैलून ट्रीटमेंट्स को छोड़ दीजिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की जानिब आइए। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नताशा अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नताशा, डॉक्टर नोरीना ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत खूबसूरत बातें बताई हमारे व्यूवर्स को, आप हमें बताएं, क्योंकि उन्होंने एस्थेटिक और सैलून को, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप हमें बताएं कि क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में अपनी स्किन को बेहतर रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर दिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या इकदामात पर अमल करना चाहिए? पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद इनविटेशन के लिए। दूसरा ये है कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हो, रमज़ान है या नॉर्मल डेज हैं, हाइड्रेशन बेसिकली हमारी स्किन के लिए सर्वाइवर है। तो हाइड्रेट तो स्किन को हमें डेली करना चाहिए। रमज़ान में होता है कि क्योंकि इश्यूज चल रहे हैं, वाटर उसका कंजप्शन नहीं हो पा रही, तो डिटॉक्स वाटर यूज़ करें, ग्रीन टी लाजमी यूज़ करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अफ्तारी जो है वो समोसे और पकौड़ों के बगैर नहीं होती। तो उसमें ये है कि ग्रीन टी लाजमी हो, डिटॉक्स वाटर यूज़ करें, एक तो ये। दूसरा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन स्किन में एक तो हम इंटेक ले रहे हैं डिफरेंट जूसेस फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन अच्छा मॉइस्चराइज़र ये लाजमी ऐड होना चाहिए आपकी स्किन में। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करती है स्किन, तो हम फेस वॉश यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ही एक्सेसिव एक्सफोलिएशन करते हैं। उसके बाद होता है, ये नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होते हैं स्किन के लिए, अगर स्किन ऑयली है तो। ऑयल का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी स्किन के सेल्स हाइड्रेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वाटर नहीं है उनमें,
तो ज़्यादा ओवरलोड की वजह से या ज़्यादा वर्किंग की वजह से उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हम उसको और ड्राई बनाने के चक्कर में फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं तो पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं, स्किन डैमेज होती है, स्कार फॉर्म्स होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो एक तो सोप यूज़ करना चाहिए, जितने आप ऑर्गेनिक रहेंगे मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करेंगे आपकी स्किन उतनी हेल्दी और उतना उसका सर्वाइवल टाइम ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वो तो डेफिनेटली आपको ऐड करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वाटर इनटेक डिटॉक्स वाटर फॉर्म में हो या फिर जो है वो ग्रीन टी रमज़ान की जैसे आपने बात की और दूसरा ये कि टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड हाइड्रेट हाइड्रेशन जो भी जिस तरह भी हो आपकी मॉइस्चराइजर फॉर्म में वो लाजमी करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि खूबसूरत दिखने के लिए क्या ट्रीटमेंट्स आप देते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है, ख्वातीन चूँकि हमको देख रहे हैं सब ख्वाहिश रखती हैं जी कि भाई हम खूबसूरत दिखें। देखें यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ब्यूटिफिकेशन और दूसरा ये होता है कि हमारी साइकी क्या है। खूबसूरत हर बंदा खूबसूरत है हर कलर के साथ, लेकिन हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है एज अ सोसाइटी में बात कर रही हूँ कि हमें गोरा होना है, गोरा रंग खूबसूरत, ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो जाए हमें बस गोरा, ऐसी बात नहीं है। हर कलर खूबसूरत है अगर वो ग्लो कर रहा है। तो बेसिकली जो फैक्टर होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए वो ये कि हमारा कोई भी कलर है किसी भी टोन का है वो ग्लो करे, वो अच्छा जो है स्किन का टेक्स्चर हो, स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और दूसरा ये कि डिप्रेशन कम से कम हो स्किन के ऊपर। बेसिकली जो फेस है उसके स्किन के जो सेल्स हैं अगर स्ट्रेसफुल दिखेंगे तो आप खूबसूरत नहीं लगते, डल हो जाती है स्किन, ड्राई हो जाती है। तो ब्यूटिफिकेशन एक सेपरेट थिंग और गोरा होना एक सेपरेट चीज है। तो खूबसूरत दिखें कैसे ये तो मुझे बताएं, मतलब जो कुदरत ने आपको रंग दे दिया, रंगत दे दी, उसके साथ हम कैसे ग्लो करें? डेफिनेटली काम कर रहे होते हैं, फील्ड में निकले भी होते हैं, बहुत सारे लोग जाहिर है इस बात को सुन रहे हैं, तो कैसे मेंटेन रखें अपनी स्किन को, ग्लोइंग स्किन कैसे हो? ग्लोइंग स्किन अपने ही रंगत में, अपने ही रंगत में, अपने ही कलर में आप खूबसूरत इस तरह देख सकते हैं कि आप उसको केयर करें उसकी सनब्लॉक के फॉर्म में। जब भी आप घर से बाहर निकले आपको वाटर बेस्ड सनब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगेन मैं वही कहूँगी कि मॉइस्चराइजर, कोई भी चीज़ के ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो स्किन के लिए भी यही है कि स्किन के टिश्यू सर्वाइव करें, वो अलाइव दिखें, उसके लिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दो चीज़ें तो आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी है कि सनग्लो को और दूसरा जो है वो अच्छा मॉइस्चराइजर कोई भी आपका। कोई रिकमेंड कर दें? नहीं, कोई भी ब्रांड रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा जो भी मॉइस्चराइजर, देखें यहाँ पर एक हमारी जो पाकिस्तान में है ना वहाँ पर टेरिटरी को देखें तो हर क्लास का बंदा है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अब जो नॉन अफोर्डिंग है वो भी है। तो मैं कोई ब्रांड रिकमेंड कर दूँ कंपल्सरी हो जाएगी वो चीज़, इसलिए मैंने कहा कोई भी वाटर बेस्ड सनब्लॉक डेफिनेटली ऐड। कोई सस्ते वाला लगाकर डैमेज कर लेंगे ना भैया, बता दे कोई ना कोई, नहीं तो बता दे, सस्ते सस्ता बता दे। सनब्लॉक सभी अच्छे होते हैं लेकिन वाटर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैं एक और सेकंड चीज़ को आपको बताऊंगी कि जो मेकअप यूज़ करती हैं फीमेल वो भी खास ख्याल रखा करें कि मेकअप हम यूज़ करते हैं तो हम ऑयल बेस्ड ज़्यादा करते हैं लाइक फाउंडेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह फाउंडेशन नहीं है तो कोई भी मतलब बीबी क्रीम है या पैक है तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऑयल बेस्ड हो, मतलब स्टिकीनेस हो उसमें। उससे क्या होता है कि आपके सेल ब्रीद नहीं करते, जो स्किन के सेल्स हैं वो ब्रीद नहीं कर पाते, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपके पोर्स हैं क्लॉग्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से स्किन में डिफरेंट इशू स्टार्ट हो जाते हैं। मेकअप यूज़ करें या कोई भी चीज़, इट शुड बी वाटर बेस्ड, जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपनी वर्किंग करें। ऑयल बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं दे डैमेज द स्किन, वो रिपेयर नहीं करती स्किन। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं आखिरी सवाल की जानी बढ़ूंगा क्योंकि हमको फिर सहरे की जानी बढ़ने और आप ज़ाहिर मशीन्स भी हमको दिखाएंगे जो माशाल्लाह आपके ट्रीटमेंट्स के लिए हैं। मुझे ये बताएं कि जो हमारी फील्ड है ये मीडिया की फील्ड है, हमको ये अपने बाल बनाने होते हैं और स्प्रे कराना होता है, ड्राई कराना होता है, तो ये बाल गिरते जाते हैं, इसका कोई इलाज आप हमको बताएं कि गिरते हुए बालों का क्या इलाज है? पीआरपी इज अ वेरी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर हेयर, ठीक है। और दूसरा आप जो है वो सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ किया करें, कोई भी अच्छे ब्रांड का जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अफोर्डिंग हो जो अफोर्ड कर सकते हैं, सल्फर फ्री शैम्पू और पीआरपी, क्योंकि आप लोग के बाल इसके डैमेज होते हैं कि एक्सेसिव जो है वो जेल का यूज़ होता है, एक्सेसिव ड्रायर है, एक्सेसिव जो है वो स्टीमर्स यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बाल जो इनके स्टैंड होते हैं बेसिकली दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन बैंड्स टूट टूट के बाल कमज़ोर कर देते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप थ्राइस अ मंथ, ठीक है, उसको अच्छा सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करें, डेली रूटीन में आप कुछ भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, और 3 माह बाद एक दफ़ा लाजमी पीआरपी का सेशन लें ताकि आपके बाल हेल्दी हों। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो भाई ख़वातीनों हज़रात मुझे तो यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ, ज़ाहिरा की बहुत बेहतरीन गुफ्तगु थी, और आप जो सुन रहे हैं ज़ाहिरा की आपको भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे। तो एस्थेटिक फील्ड में जो जो मशीन यूज़ होती हैं अभी हम उनका आप विज़िट कराते हैं। क्योंकि
अभी हम लेजर रूम की जानिब जा रहे हैं और डॉक्टर नताशा और डॉक्टर नोरीना हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या पर्पस है भाई, किस पर्पस के लिए मशीन जो इस्तेमाल की जाती है? जी, ये हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं क्लिनिक पे। ये जो मशीन है ये माइक्रो नीडलिंग RF मशीन है। इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर स्किन टाइटनिंग, पिगमेंटेशन एंड स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, ये वाली जो मशीन है ये लेज़र IPL लेटेस्ट मशीन है। ठीक है, ये लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, टैटू रिमूवल के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए ये उसके लिए यूज़ हो रही है। बिल्कुल सही। ये जो मशीन है ये 8-step हाइड्राफेशियल मशीन है। इसको क्लिंजिंग के लिए, स्किन की एक्सफोलिएशन के लिए जो आजकल लेटेस्ट मशीन जो यूज़ हो रही है वो ये है। और ये जो मशीन है दिस इज़ कॉल्ड हाइफू। ये फेसलिफ्ट के लिए यूज़ होती है, जो एजिंग की वजह से हमारी स्किन लूज़ हो जाती है, ये उसके लिए फेसलिफ्ट की पर्पस के लिए है ये मशीन हमारे पास। भाई कमाल हो गया भाई, नाज़रीन मोहतरम सब कुछ बता दिया आपको डॉक्टर नोरीना साहिबा ने कि भाई क्या क्या इनका ज़ाहिर किस मकसद के लिए ये मशीन जो इस्तेमाल होती हैं। अब डॉक्टर साहिबा ईद करीब है, हमारा कोई ट्रीटमेंट करते भाई हम भी अच्छे दिखें, अब हमारा ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप भाई? जी, आपका हम 8-step हाइड्राफेशियल करेंगे। ये लेटेस्ट है जो आपकी स्किन को क्लींस करेगा, एक्सफोलिएट करेगा और आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। अच्छा, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जैसे अपनी नॉर्मल रूटीन में बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन पे जो डर्ट होता है, जो डेब्रिस होता है, जो डेड सेल्स होते हैं वो आपकी स्किन से उतर जाएंगे डेड सेल्स, और आपकी नीचे से नई स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपको स्किन को ग्लो मिलेगा, वाइटनिंग इफेक्ट आएगा और टोटली क्लींज हो जाएगी आपकी स्किन। बिल्कुल सही भाई, जल्दी जल्दी कराते हैं भाई, मैं तो बहुत उतावला हो रहा हूँ, करते हैं भाई जल्दी। बिल्कुल, फ़ायदा कितने दिन तक रहेगा मुझको ये? आपको कम अज़ कम 2-3 महीने जो है आपकी स्किन बिल्कुल क्लींज और एक्सफोलिएट रहेगी। अच्छा, 2-3 महीने तक? जी, 2-3। और उसके बाद फिर कराना पड़ेगा मुझको? जी, ये आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये सेशंस में कराना है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने ये करवाना है लाजमी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ज़ाहिर स्किन टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ स्किन टोन्स होती हैं, ये क्या हर किसी को आप रिकमेंड करेंगे ये ट्रीटमेंट कर रही हैं आप? नहीं, ये हाइड्राफेशियल हर तरह की स्किन के लिए नहीं है। अच्छा। इसमें हम जो आपकी अगर स्किन पे एक्टिव एक्नी है या आपके ओपन पोर्स हैं तो हम उस पे रिकमेंड नहीं करते ये हाइड्राफेशियल। अच्छा, ये मेरी स्किन के लिए ठीक है या नहीं? जी, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भाई नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं भाई कि हमारी स्किन पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इसको इससे भाई हम बहुत ग्लोइंग होगी स्किन और बहुत गोरे हो जाएंगे। गोरे भी हो जाएंगे ना हम? जी बिल्कुल, हम गोरे भी हो जाएंगे, पहले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद हो जाएंगे। और डॉक्टर साहिबा बहुत खूबसूरती से और बहुत माहिराना तरीके के साथ हमारा ट्रीटमेंट जो है वो कर रही हैं, और इसके बाद जाहिर है कि हमको शहरी की जानी भी जाना है। और अच्छा, कितनी देर का ये ट्रीटमेंट होता है मुझे बताएं? ये 30-40 मिनट्स का। अच्छा, 30-40 मिनट्स भाई, तो अभी भाई 30 मिनट्स के बाद मुलाकात होती है, 30 मिनट का दौरान ही था ना डॉक्टर साहिबा? और ट्रीटमेंट हो चुका है और आप इस वक्त देख भी रहे हैं माशाल्लाह, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हम दिख रहे हैं भाई, पहले से ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, अच्छे दिख रहे हैं। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।